चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप मंदिर पे बात करेंगे, आप मस्जिद पे बात करेंगे, तो देश की जनता या खतौली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। विक्रम सैनी जी विधायक रहे हैं, विक्रम सैनी देखा भी नहीं हमने कई साल हो गए। हाँ देखो, दोनों ही तरह की बात है। जब दो योजना इन्हें होगी बराबर तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। जो इन्होंने काम नहीं किया, नहीं कि हर तरह के लोग होते हैं। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा सीट पे हैं। मैं आपको बता दूं कि खतौली विधानसभा सीट में यहाँ के जो पूर्व विधायक थे विक्रम सैनी जी, उनको निष्कासित करने के बाद यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है और खतौली विधानसभा सीट जो है काफ़ी चर्चा में है और लोगों का क्या कहना है हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हम बड़सू गांव में हैं, खतौली का बड़सू गांव है और हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि खतौली विधानसभा सीट पर क्या लोगों की राय है चुनाव को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुनील सैनी, गांव बड़सू। सुनील जी, ये बताइए, खतौली जो है बहुत ही चर्चा में है, ये गांव वोट सीट बन रही है जी। आपको क्या फाइट नज़र आ रही है चुनाव को लेकर, किन किन में चुनाव आपको लग रहा है अभी? चुनाव तो यहाँ तो बीजेपी का जोर है जी जी, और जो राजकुमारी जी हैं विक्रम सैनी जी की धर्मपत्नी जी, और उन्हीं का जोर है यहाँ बड़सू में तो। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रालोद सिंह प्रत्याशी जो है वो भी फाइट में है। हाँ देखो, दोनों ही तरह की बात है। जब दो योजना इन्हें होगी बराबर तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। जो इन्होंने काम नहीं किया, नहीं कि हर तरह के लोग होते हैं, तो बीजेपी के समर्थक भी हैं और जो लोकदल के उनके भी हैं। वो तो जब चुनाव के बाद ही सब कुछ पता लगेगा क्या क्या रिजल्ट आऊंगा। आपका क्या नाम है सर? दिनेश कुमार जी। दिनेश भाई, क्या लग रहा है खतौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, काफ़ी चर्चा में है आजकल, और आपको लग रहा है कौन इस फाइट में रहेगा, कौन आगे है फिलहाल? फाइट तो राजकुमारी के साथ ही है जी। है जी, मदन भैया तो वोट बिल्कुल नहीं देने के जी। पता नहीं कहाँ का रह रहा है, क्या पता कौन है, कहाँ का है। ऐसे भाई साहब बढ़ाने जाए थे एक बार, वोट लेकर यहाँ दिखाई भी नहीं दिया था दूर तक। अपने क्षेत्र की तो है, कम से कम बात तो कर लेंगे उससे जाकर। काम वाम किए हैं आपके? काम अपने समय में काम कोई किसी का नहीं करता जी, सब सरकार अपने हिसाब से लेकर चल रही। तो दो बड़े प्रत्याशी आपके यहाँ उम्मीदवार, विक्रम सैनी जी की पत्नी है राजकुमारी सैनी जी, और उधर से मदन भैया है रालोद से, और बाकी लोग भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कुछ गांव का माहौल या खतौली का माहौल क्या नज़र आता है आपको? गांव का माहौल तो बस ज़्यादातर राजकुमार की तरफ ही है। तो काम वाम किए आपके इलाके? काम कुछ नहीं है, राजकुमारी को वोट नहीं है जरा सी भी, बस राजकुमारी को एक भी वोट नहीं है। मतलब कारण क्या है? चलो कारण क्या है, काम तो कहीं करा ही नहीं कुछ भी, और बड़सू में तो आता ही नहीं। आप वोट कर रहे हैं फिर? और ना मदन भैया ना करा, मदन भैया से पहले देखा ना देखा हम जानते हैं और क्या है, यही है। लेकिन कोई तो कारण रहा होगा कि बीजेपी को वोट करना है। सिर्फ आपको फायदे क्या नजर आते हैं? सिर्फ ऊपर के लिए, नीचे के लिए कुछ नहीं करती काम। दो फिर इसका पति रह चुका, बड़सू में तो आता ही नहीं, आवे एक जगह आवेगा बैठ कर चला जाएगा। किस आधार पर आप बीजेपी को चुन रहे हैं कि भाई? आधार तो बहुत है, अनु क्या बताया जा। तो आप वोट कहाँ कर रहे हैं? राजकुमारी सैनी को। अच्छा, वो सैनी, हम भी सैनी, सारा गांव सैनी हुआ। तो काम वाम किया विधायक जी ने? हाँ, ये खड़ुंजा लगा 100 मीटर का खड़ुंजा लगा। और जैसे आप खेती किसानी का काम करते हैं, जैसे बहुत सारी महंगाई बढ़ी है पिछले दौर में। महंगाई तो है, डीजल भी, इसलिए भाजपा को वोट देने नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सारी चीज महंगाई है, तेल महंगा, और तेल की वजह से सारी चीज महंगी, डीजल। आपके यहाँ चुनाव है तो चुनाव में क्या खतौली का माहौल क्या नजर आ? खतौली का माहौल है, विक्रम सैनी की जो घरवाली है वही बनेगी राजकुमारी, और अच्छी बाहरी ऑटो जीतेगी। ये मदन भैया पता नहीं कहाँ से निकल गया, अगर एरिया का होता तो जब भी जानकार होती कुछ नहीं, क्षेत्र वालों को देते, राजपाल सैनी को वोट देते या किसी वो पर्चा देते, बढ़ाना की तरह आ निकल गए फिर दिखाई नहीं देगा वो। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राहुल मलिक। राहुल, राहुल जी, क्या लग रहा है, बहुत चर्चाएं हैं खतौली चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव चुनाव है, चुनाव कांटे का है। कोई कहे कि हम फाइट में हैं, कोई कहे कि हम फाइट में, ऐसा नहीं। आप अगर जनता के बीच जाओगे, एक आप जनप्रतिनिधि हो,
और आप स्टेज पे खड़े होके किसी भी समाज के बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते हो तो आप जनप्रतिनिधि नहीं हो। जनता को आपको चुनना नहीं चाहिए। आप कोई भी बिरादरी है, कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसको आपने अपशब्द ना कही हो, बुरा भला ना कहा हो। ये लोकतंत्र है, आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर यही बात मैं कहूँ, हर बार वोट 2013 दंगे से मांगते हैं। मेरे गांव के 22 लड़के जेल गए थे जिनका अभी तक ना कोई फैसला है, ना कोई मुकदमे वापिस है, ना किसी तरीके कोई बात। आज वो बच्चे जो बीएड हैं, जो एमएड हैं, करे हुए बच्चे हैं। मेरे परिवार के भी 3 बच्चे जेल गए थे 2013 में। तो उन बच्चों का भविष्य खराब है। आप फुगाना की बात करें, आप खरड़ की बात करें, आप किस भी बात करें, लेकिन आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप मंदिर पे बात करेंगे, आप मस्जिद पे बात करेंगे, तो देश की जनता या खतौली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसे बार बार बेवकूफ़ बना लोगे। इस बार विपक्ष का कड़ा मुकाबला है, और अगर किसी को लगता है कि चुनाव एक तरफ है तो एक तरफ नहीं है। लोग तो भाजपा की बात कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा एरिया है जो भाजपा की तरफ है। आप यहीं भैंसी जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ है, लेकिन क्लोज फाइट है। कोई भी चुनाव हल्का नहीं होता है, ये भी हल्का नहीं है, बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन जब आप मुद्दों पे बात करेंगे, अगर आप इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे, आप देख लीजिए, क्या मैं इनसे पूछता हूँ, भाइयों से, किसानों से ही, क्या 14 दिन में भुगतान हो रहा है? क्या इनका भुगतान जितना लेट होता है उसका ब्याज आपको मिलता है? मेरा मील भसाना पड़ता है, उड़ाना, आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप आगे का गन्ना घेरिए, पीछे का आप पेमेंट लेना शुरू कर दीजिए। पिछले साल का भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जो मुद्दे हैं, किसान, आप देख रहे होंगे कि इस बार फसल जो है वो आधी है और किसान बहुत परेशान है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। आपको मंदिर मस्जिद पे लड़वाया जा रहा है और आप वही चुनाव लड़ेंगे क्यों? क्या लेकिन, जैसे अभी लोगों से भी बात हो रही थी कि भाई बिरादरी के तौर पर वोट की जा रही है जी, तो जी विधायक जी भी गांव में नहीं आए कभी जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बिरादरीवाद जो है, क्या लोकतंत्र खाली इसके लिए रह गया है? यार होना नहीं चाहिए, जनता के मुद्दे ये ये लोकतंत्र का मैं कहूँगा एक बहुत ही हानिकारक है कि अगर हम बिरादरी को देख रहे हैं। बिरादरी हमें कभी नहीं देखनी चाहिए, हमें कैंडिडेट देखना चाहिए कौन हमारे बीच रहता है, कौन हमारे सुख में दुख में आता है। और रही बात बाहरी की, तो बाहरी तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के होके वाराणसी चुनाव लड़ते हैं, तो बाहरी तो वो भी हैं, बहुत सारे लोग बाहरी हैं। लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी पार्टी किस बेस पे है? और मैं नहीं समझता जिस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा। हमेशा ये है कि जो आपके बीच रहता हो, आपके सुख दुख में खड़ा रहता हो, आपको उसको वोट करनी चाहिए, बशर्ते कि वो जनप्रतिनिधि आपके बीच ना हो जो खड़ा होके आपको अपने पीछे करके किसी और बिरादरी के साथ अपशब्द बोलता हो। क्योंकि सब भाई हैं, लोकतंत्र में सब वोट डालते हैं, मेरी भी एक वोट काउंट होगी, भाई की भी एक वोट काउंट होगी, आपकी भी एक वोट काउंट होगी हमेशा। तो सभी को साथ रहना चाहिए, बिरादरी पर चुनाव होना नहीं चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ सारे लोग हैं, उनसे ही बात करता हूँ। जी नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? रविंदर। चुनाव है, उपचुनाव है खतौली में, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, तो बीजेपी वाले जीतेंगे और क्या जीतेंगे, तो हरबंदी है पूरे। अच्छा, कैसे कैसे जीत जाएंगे ये? तो ये सब उन्होंने जाना है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए क्षेत्र में कुछ काम वाम किया है जो विक्रम सैनी जी विधायक रहे हैं? विक्रम सैनी देखा भी नहीं हमने, कई साल हो गए, तो कई साल हो गए देखा भी नहीं। गाँव नहीं आए आते आपके? अंदर तो हमने देखा नहीं, हम तो अंदर रहे गाँव में। तो कुछ काम वाम किए आपके काम तो में? कहीं उसका तो कहीं पोस्टर लगने ना प्लेट लग रही, कहीं कोई काम करवा ना, खड़ंजा लगवा दिया, कहीं सड़क बनवा दी। ये विक्रम की है तो मनना पड़ी नहीं भाई। वाह, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ये बताइए, जैसे अभी फाइट बता रहे हैं खतौली चुनाव की, एक तरफ विक्रम सैनी जी की पत्नी है, जीतेगी तो भाई वोट तो उसे देनी पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी, क्या मजबूरी है, किस वजह से? बीजेपी को वोट देंगे और क्या, हम मुसलमानों को वोट देंगे भाई, ये तो मजबूरी हमारी। लेकिन और भी लोग फाइट में है, कह रहे हैं कि भाई हमारे यही जीतेगी। एक तरफ से मदन भैया भी आ रहे हैं, मदन भैया ना जीत पाने का मुश्किल है, वो तो त्यागी व्यागी उसके खिलाफ पड़ रहे कही। अच्छा, जैसे आप
कह रहे हैं कि कुछ काम वाम हुए हैं, मतलब इस तरह से हम तो गाँव में अंदर रहे भाई, ये चक्कर भर रहे ना पता भाई। अच्छा चलो चलिए, हम यहाँ पर ये धर्म काटा था बड़सू गांव का, जहाँ पर हमने किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि खतौली विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें लोगों की क्या राय है। चलचित्र अभियान से जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। कहाँ है मुखिया?